बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज हम टाइप्स ऑफ पोइट्री को जानेंगे, तो करते हैं इसको स्टार्ट। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पोइट्री और प्रोज दोनों में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन पोइट्री एंड प्रोज? प्रोज क्या होता है? प्रोज इज़ अ राइटिंग और स्पीकिंग दैट इज़ डन इन एन ऑर्डिनरी फॉर्म यूजिंग सेंटेंस एंड पैराग्राफ। प्रोज ऐसी राइटिंग को कहते हैं या स्पीकिंग कैसे स्टाइल को कहते हैं जो बहुत आम सा होता है, जिसमें पैराग्राफ या फिर जुमलों का इस्तेमाल किया जाता है। पोइट्री क्या है? द वर्ड पोइट्री कम फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक वर्ड पोयो विच मीन्स आई क्रिएट। जो पोइट्री वर्ड है वो एंशियंट जो वर्ड है, एंशियंट का ग्रीक वर्ड यानी कि दीन यूनानी जबान में एक लफ्ज़ है पोयो, वहाँ से निकला है, वहाँ से आया है, और इसका मतलब होता है मेरी तख्लीक। पोइट्री इज़ रिटन इन लाइन्स और स्टैंजास विच मे और मे नॉट सर्टेन कम्प्लीट सेंटेंस। पोइट्री जो है उसको सत्रों में लिखा जाता है या फिर बंदों में लिखा जाता है। उसमें भी आप जो सेंटेंस है वो मुकम्मल कभी कभी होता भी है और नहीं भी होता। पोइट्री इज़ यूजुअली शॉर्टर देन प्रोज। पोइट्री प्रोज से छोटी होती है। वर्ड एंड लाइन्स इन पोइट्री हैव मोर रिदम देन प्रोज एंड देयर इज समटाइम्स रेम इन पोइट्री। पोइट्री की जो लाइन्स होती हैं उसमें प्रोज से कहीं ज़्यादा रिदम होता है और उसमें रेम भी होती है। रेम का मतलब होता है ताल, यानी कि उसमें ताल भी होती है। सिनक्वेन अ फाइव लाइन्स पोएम कंटेनिंग 22 सिलेबल। सिनक्वेन ऐसी पोएम को कहते हैं जो कि पांच लाइनों पर मुश्तमिल हो और उसके अंदर 22 सिलेबल हो। हाइको। हाइको कैसी होती है पोएम? हाइको इज़ द थ्री लाइन अनरेम्ड नेचर पोएम ऑफ 17 सिलेबल डिवाइड सो दैट द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन्स हैव 5 सिलेबल ईच एंड द मिडल लाइन हैज 7 सिलेबल। हाइको पोइट्री ओरिजिनेटेड इन जापान। एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ हाइको इज़ दैट अ सीज़न और समथिंग दैट इंडिकेट अ स्पेसिफिक सीज़न मस्ट बी मेंशन। हाइको पोम जो है तीन लाइन पर मुश्तमिल होती है और अनरिदमिक होती है। उसको डिवाइड किया जाता है फर्स्ट और थर्ड लाइन में 5 सिलेबल होते हैं उसके और मिडिल लाइन्स में 7 सिलेबल्स होते हैं। हाइको पोइट्री जो है वो जापान की तख्लीक है। जो सबसे ज़रूरी एलिमेंट है, जो ख़ास एलिमेंट है हाइको में, वो होता है सीज़न या कोई ऐसी चीज़ जो कि इंडिकेट करती हो सीज़न को, या वो सीज़न को ये पोइट्री ज़रूर मेंशन करती है। टंका। द टंका पोम इज़ वेरी सिमिलर टू हाइको बट टंका पोम हैव मोर सिलेबल एंड इट यूज सिमिली मेटाफर एंड पर्सनिफिकेशन। इट कंसिस्ट 5 लाइन फॉर अ टोटल ऑफ 31 सिलेबल। द सिलेबल पर लाइन आर अकॉर्डिंग टू द पैटर्न 5 7 5 7 7। टंका पोम जो है हाइको पोम के साथ बहुत सिमिलर है और इसके जो सिलेबल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है, सिमिली मेटाफर और पर्सनिफिकेशन। ये 5 लाइनों पर मुश्तमिल होती है और इसके टोटल सिलेबल होते हैं 31। कंक्रीट पोएम। इन कंक्रीट पोएम्स द वर्ड आर अरेंज टू क्रिएट अ पिक्चर दैट रिलेट टू द कंटेंट ऑफ पोएम। कंक्रीट पोएम में जो वर्ड्स होते हैं वो ऐसी पिक्चर अरेंज करते हैं जो रिलेट करती है पोएम के साथ। पोइट्री इज़ लाइक अ फ्लेम्स विच आर स्विफ्ट टू एलूसिव डॉजिंग रिलेशन रियलाइजेशन स्पार्क लाइक वर्ड ऑन द पेपर लीव्स एंड डांस एंड द फ्लिकरिंग फायर लाइट। द फायरी टंग्स formless and shifting shapes tease the imagination yet for those who see through their mind eye they burn up the page। limerick। a limerick is a 5-line jingle whose prose is hammer। it usually has a abbey rhyme scheme with the first, second and the fifth line either an apastic or amphibrach trimeter and the third and fourth line of an apostic diameter। There once was a lady from Niger who smiled as she rode on the tiger। They returned from the ride with the lady inside and simile on the face of the tiger। Free verse is just what it say it is, poetry that is written without proper rules about form, rhyme, rhythm, meter, etc। Free verse poetry is conversational sound like someone is talking with you, a more modern type of poetry। अच्छा, फ्री वर्स पोइट्री जो है वो बहुत मॉडर्न पोइट्री की टाइप है। इसमें ऐसे आपको लगता है कि कोई आपसे बात कर रहा हो और इसमें कोई प्रॉपर रूल्स जो हैं फॉलो नहीं किए जाते, जैसे कि रेम या रिदम या मीटर वगैरह। ब्लैंक वर्स पोइट्री क्या होती है?
written in lines of ambiguous parameter but does not use and rhyme. Example, cowards die many times before their death. The valiant never test of the death but once. Of all the wonders that I yet have heard, it seems to me most strange that man should fear seeing the death a necessary end. Will come when it will come. Blank words में के end में rhythm नहीं होता और इसको ambic pentameter में लिखा जाता है. Narrative poetry, a poetry that tells a story, generally longer than a lyric style of poetry. B.C. The poet need to establish character and a plot. Example of narrative poem: The Raven, The Highwayman, Cassie at the Bed, The Walrus and the Carpenter. ये जो poem है वो narrative poetry जो है उसमें story सुनाई जाती है और ये आमतौर पर लंबी होती है. Lyric style poetry का है उससे ये काफ़ी लंबी होती है. So I hope आपको ये video helpful रही होगी. अगर video helpful रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएं. और जो भी चैनल पर आता है उससे मेरी ये रिक्वेस्ट होती है कि चैनल पर आप आ ही रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं प्लीज़. दुआ में याद रखें. अल्लाह हाफिज़.